स्वागत है, आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। स्वर्णिम 2 दशक पूरे होने पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब द्वारा धरोहर कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जन जागरूकता वीडियो फिल्म का उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने किया लोकार्पण। चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के सदस्यों ने बिहार के उद्योग मंत्री के साथ उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की बैठक, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 32 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। 15 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़े का पूर्व उपसभापति ने किया शुभारंभ। गोरखपुर जनरस प्रेस क्लब गोरखपुर के स्वर्णिम 2 दशक पूरे होने पर धरोहर कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन पार्क रोड स्थित एक स्थानीय होटल में किया गया, जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। संगोष्ठी के माध्यम से मुख्य वक्ताओं द्वारा विभिन्न विषयों पर चर्चा कर युवा पीढ़ी के पत्रकारों को जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम के तहत मुख्य अतिथियों द्वारा 2 दशक से अधिक पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले पत्रकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडे मणि, पूर्व नगर महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, महामंत्री मनोज यादव, वरिष्ठ पत्रकार आनंद राय सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। आपको उससे बहुत आगे बढ़कर के काम करना पड़ेगा। कोई भी सरकार आजकल ये नहीं चाहती है कि उसकी कमियां इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। गोरखपुर जन एक्सप्रेस क्लब को स्थापित करने के पूर्व अध्यक्ष और संस्थापक श्री रामेंद्र सिन्हा जी का बड़ा योगदान, श्री श्री वीरेंद्र दीपक मिश्र जी, एसपी सिंह जी, संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने बताया, स्थान नहीं है, मैंने हाँ मुझे तो मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो हम तो पहले से उस कानून के दायरे में। नीतीश जी के बयान पे मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ, मैंने वो बयान क्या दिया नहीं देखा मैंने। अभी आपके MLC हैं संजय पासवान जी बिहार के, वो अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं जबकि योगी जी यूपी में सपोर्ट। अरे वो यूपी में कानून बन रहा है तो अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून बनते हैं। अरे ना यूपी पार्लियामेंट में कई ऐसे विधायक हैं जिनके पास 8 बच्चे, 5 बच्चे, 4 बच्चे हैं, तो क्या ये कानून उस कानून के दायरे में भी आएंगे? हम तो इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे, हमारे 2 बच्चे हैं बस।
अच्छा आज देश एक सवाल है, दूसरा सवाल है कावड़ यात्रा होने वाली है, यूपी गवर्नमेंट इसके लिए वो ये कावड़ की यात्रा की बात शुक्ला जी करेंगे, यहाँ का हम कुछ पता नहीं किए हैं। आज पीएम साहब इंडस्ट्रियल एरिया में के दौरे को लेकर के नहीं, हम तो यूपी का बहुत लाभ है बिहार को भी, गोरखपुर एयरपोर्ट से उतर के लोग गोपालगंज आते हैं, सीवान आते हैं, अभी कुशीनगर में जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा उसका भी लाभ पड़ोसी होने के नाते मिलेगा। हम यूपी का अच्छा पड़ोसी है बिहार, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है और योगी जी और नीतीश जी दोनों विकास के रास्ते पर चल के बिहार और यूपी को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई के प्रधानमंत्री आज बनारस में हैं, तो क्या उनके दौरे को लेकर के आने वाले चुनाव को लेकर के देखा जा रहा है? बनारस के सांसद हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, अपने संसदीय क्षेत्र में पूरे यूपी में खुशी की लहर है प्रधानमंत्री के आने से। सर ओबीसी जी यूपी विधानसभा में योगी जी को चुनौती देने की बात कर रहे हैं क्या? हम तो कई बार हैदराबाद में उनको चुनौती दे दिए हैं जाके, तब कहाँ पूछते हैं आप। वो यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी, जिस तरह सूरज का उगना तय है वैसे कमल का खिलना तय है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र प्रताप शाही की उपस्थिति में जन जागरूकता वीडियो फिल्म का लोकार्पण सर्किट हाउस सभागार में किया गया। यह फिल्म गतिविधियों पर आधारित है जिसको बेहद सरल रूप से तैयार किया गया है, जिससे आम आदमी भी आसानी से समझ सके और प्रायः घरों में उपलब्ध संसाधन का प्रयोग करते हुए जीवन रक्षक उपकरण का निर्माण कर सके। इस दौरान एडीएम एफआर आरके सिंह, जिला आपदा अधिकारी गौतम गुप्ता, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की 26वीं वाहिनी, बाढ़ दल, नागरिक सुरक्षा, रक्षा अध्ययन विभाग सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। छह नदियां हैं यहाँ पे और हर साल सर जब भी बारिश का मौसम आता है नदियों का जलस्तर बढ़ता है और यहाँ प्राय सर जो डूब के मृत्यु की जो घटना होती है वो बढ़ जाती है। आपको सर ये भी हम बताना चाहेंगे कि जब ये आपके द्वारा जब इस वीडियो को आज लॉन्च किया जाएगा सर, इसके बाद सर हम लोग की कई सारे और वीडियोज हम लोगों ने शूट किए हैं आपको बचा सकते हैं सर, तो उसी को लेकर के सर आज की एक छोटी सी वीडियो के उन्होंने एनडीआरएफ कैंप में सर जो हमारा यहाँ पे आरआरसी है सर वहाँ पर उन्होंने शूट किया था और उसको सर आज आपके द्वारा जब लॉन्चिंग हो जाएगी सर उसको तो गोरखपुर के तो केवल गोरखपुर के हैं, गोरखपुर में एनडीआरएफ है और जब मैं आया करीब 2 साल पहले तब से मैं देख रहा हूँ कि आसपास के जितने भी जनपद हैं सर सबको एनडीआरएफ बड़ा अच्छा। अभी कुशीनगर की एक घटना थी, उस पर समय नहीं लूँगा लेकिन सर की जानकारी में होगा कि शाम को हम लोगों को मैसेज आया कि लगभग 100-150 लोग नदी के अंदर फंसे हुए हैं और ये लोग गए और पूरा वीडियो तो मेरे पास है सर, मैंने और जगह शेयर भी किया है, छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी निकाल करके ले आए। एसडीआरएफ हमारी है, अभी हम लोगों ने ये सिस्टम बना रखा है कि जब भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो पहले एसडीआरएफ को ही कॉल करते हैं, एसडीआरएफ अपना प्रयास करती है, इसलिए कि एसडीआरएफ के पास हमारे पास यहाँ संख्या बल भी ज़्यादा है और इक्विपमेंट भी इनके पास अभी पूरे हैं। एनडीआरएफ नेशनल लेवल की एजेंसी है और इनके पास और भी दायित्व होते हैं। तो मीडिया को यूनिसेफ का बड़ा अच्छा सपोर्ट रहता है हमें सर इस डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं सर आपसे अनुरोध करूंगा सर कि हम लोगों को हमारी पूरी उम्मीद है और उम्मीद के साथ जो है पिछले 2-3 साल में किया है तो बाकी सब मेरे भी उसी तरीके से काम करने लगे तो शायद उत्तर प्रदेश को हम जीरो और जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्देश है उसको प्राप्त कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली उत्तर क्षेत्र गति के विचार में इसमें 28 और ऐसे ड्रंस दूर हो गए, इसका सिर्फ एक ही मेरे को जो आने की उसमें
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया, शहर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DDMA NDRF SDRF और यूनिसेफ के सौजन्य से जो वीडियो फिल्म बनी है और जिसका आज रिलीज हुआ है, जो जन हानि से बचाने के लिए स्पेशली फ्लड, ये छोटी सी लघु फिल्म थी जिसमें आज एक तरीका बताया गया कि हम घर पे अपने लाइफ सेविंग इन जैकेट कैसे बना सकते हैं और ऐसे ऐसे और चीज़ें विकसित की जाएंगी, वो जनता के बीच में उसको बताया जाएगा जागरूकता फैलाने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है जो DDMA ने उठाया है, गोरखपुर के DDMA ने, और मैं इसे पूरा भरोसा है कि यहाँ गोरखपुर के जितने भी सिटीजन्स हैं उसे इससे लाभान्वित होंगे, और पर्टिकुलरली जो बच्चे हैं अपने घर के अंदर जैसे बॉटल वगैरह आ जाती हैं उनसे अनुरोध होगा कि ये बना के रखें, चाहे फ्लड आए चाहे ना आए, एक हुनर है, एक चीज़ इसी तरह से कुछ और नई चीज़ सोच करेंगे तो हर आपदा के लिए जो भी तैयारियां करनी हैं आपदा आने से पहले वो एक हमारी हैबिट बन जाएगी, और वो उसमें चाहूँगा कि हमारे बच्चे, पेरेंट्स, अभिभावक जो भी हैं सब लोग शामिल हों और हर आपदा से बचने के उपाय अपने आप जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करें, बाकी जो शासन और सरकार की तरफ से जो सहायता है या जो तैयारियां हैं वो तो पूरी रहती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा सरकार के प्रोत्साहन पर उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों की बैठक बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में बिहार और उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को एक मंच मुहैया कराने के साथ ही बिहार के उद्योग मंत्री ने प्रोजेक्टर के माध्यम से स्थानीय व्यापारियों और उद्योगपतियों को व्यापार को बढ़ावा देने के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णु अजीत सरिया सहित बड़ी संख्या में चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। हम लोग आपसे जो है एक ये भी चाहेंगे कि हमारे उत्तम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा एक्सपाइजिंग है, और ये विशेष रूप से जो हमारा पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार है इसके लिए हम लोगों ने 2006 से प्रयास किया था, यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क आए प्रवीण मोदी से अनुरोध है कि आप सहनसा हाल, इस हाल का नाम सहनसा हाल, सहनसा हाल में मैं वास्तव में जो दिल से सहनसा है और जो जमीनी युवा नेता है, बहुत से लोग सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं, लेकिन शहनवाज भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने संघर्षों से अपने युवा में भी बताया। मैं गोरखपुर की इस धरती पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत विशाल अनुभव है आपके पास और आप इतने सारे विभागों का एक्सपर्टाइज पा चुके हैं कि मुझे लगता है कि अब बिहार का उद्योग बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाला है। तो यहाँ हमने क्या किया है, ये यहीं ये जो लोकेशन है यहाँ हम लोगों ने देखिए यहाँ से तो हमें पूरा नेपाल मिलता है और ये हम लोगों ने ये किशनगंज कहलाता है और ये खाकर भीतर जानते होंगे, ये एक एशिया सड़क बनी है जैसे पाकिस्तान वाली चाइना वाली सड़क है, वैसे हम लोगों ने यहाँ पे इस सड़क को लिया है। ये खाकर भीतर पानी टंकी ये सिलीगुड़ी आइए लिखे थे
बाद में हमने बंगाल को रास्ता दिया कुछ भी हाल तो वो 16 किलोमीटर का रास्ता हम लोगों ने यहाँ दिया चिकन नेक दिखता है नहीं तो हमारा किशनगंज कॉन्स्टिट्यूंसी से बगल में ही बांग्लादेश भी है बगल में नेपाल भी है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का बोलते हैं ब्रेक के बाद ओके रेडी। अरे क्या हुआ डायपर चेक करो फीट किया सब किया पता नहीं क्या हुआ वुडवर्ड्स ग्राइपोटर दिया क्या यही तो मैं तुम सबको देती थी जब तुम छोटे थे आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर वुडवर्ड्स ग्राइपोटर बच्चों को गैस एसिडिटी और बदहजमी से तुरंत राहत दिलाए बड़े ही कोमलता से हंसता खेलता बच्चा वुडवर्ड्स बच्चा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस मैं दिलजीत दोसांझ आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद मी ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आइए देखते हैं दरअसल जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पद के विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न 32 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ दिया गया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया आज हमारे जिले में 32 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है जिसमें से 2 महिला स्पेशल बूथ है 2 अभिभावक स्पेशल बूथ है और हमारे जिला अस्पताल हमारे संक्रामक रोग और हमारी एडिशनल भी हमारी CSC रूरल CSC पर वैक्सीनेशन चल रहा है हमारी अर्बन PSC होम पर वैक्सीनेशन चल रहा है इस तरह से 32 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है हमारा लक्ष्य है 10,000 से ऊपर का आज करने का लक्ष्य तो हम लक्ष्य से ज़्यादा ही वैक्सीनेशन कर रहे हैं बूथों पर काफ़ी लोग मात्रा में आ रहे हैं और वैक्सीनेशन करा रहे हैं तो हम पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जन शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित 15 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़े के तहत बेतिहाता स्थित संस्थान के मुख्यालय पर मुख्य अतिथि पूर्व उपसभापति पार्षद अजय राय व जन शिक्षण संस्थान की डायरेक्टर नमिता सिंह की मौजूदगी में स्वच्छता पखवाड़ा और विश्व युवा कौशल दिवस मनाए जाने की शपथ ली गई और पखवाड़े का शुभारम्भ भी किया गया। इस दौरान जन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह दुर्गेश श्रीवास्तव अनुदेशिकाएं प्रशिक्षु और लाभार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्व उपसभापति पार्षद अजय राय ने बताया विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर जन शिक्षण संस्थान द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसी में उपस्थित हुआ हूँ और सभी युवा जो कोर्स कर रहे हैं सीख रहे हैं कौशल विकास योजना के अंतर्गत उनसे यह शपथ लिया गया है कि हम अपने
स्वच्छता अभियान को अपने घर स्वयं से, घर से और मोहल्ले से, उसके बाद अपने जिले से, प्रदेश से और देश को स्वच्छता अभियान का एक स्वरूप देकर आगे बढ़ाऊंगा। दिनभर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वर्णिम 2 दशक पूरे होने पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब द्वारा धरोहर कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जन जागरूकता वीडियो फिल्म का उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने किया लोकार्पण। चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के सदस्यों ने बिहार के उद्योग मंत्री के साथ उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की बैठक, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 32 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और 15 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़े का पूर्व उपसभापति ने किया शुभारंभ। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत।